अलैकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। आज खवातीन हज़रात हम फोकस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पे, उसके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। एंड द रीजन व्हाई आई वांट टू डू दिस टुडे इज बिकॉज मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो हमारी निगोसिएशंस स्टॉल्ड हैं ऑन द सिक्स्थ रिव्यू, बेसिकली उनका जो ताल्लुक है वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से ही है। और जो इन्होंने हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर साहब अफी शेख थे, तो उस वो जो एग्रीमेंट्स की थी उन्होंने फरवरी 2021 में, वो फिर शौकत तरीन साहब ने कहा कि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर उनको इम्प्लीमेंट किया गया तो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 5% नहीं होगी, और अगर ग्रोथ नहीं हुई उतनी ज्यादा तो टैक्स कलेक्शन भी नहीं होगी। सो आईव गॉट सम वेरी वेरी सम एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड। ताहिर बशारत चीमा साहब हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पेप्को पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के। बैरिस्टर असगर खान साहब हैं, फॉर्मर हेड ऑफ लीगल डिपार्टमेंट हैं प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड विच एक्चुअली अप्रूव्स प्रोजेक्ट्स इन एनर्जी सेक्टर। और हमारे साथ स्टूडियो में मुश्ताक गोमन साहब हैं, ही इज बीन ये इनकी बीट रही है फॉर आई थिंक कपल ऑफ डेकेड्स एटलीस्ट। आई स्टार्ट विद यू गोमन साहब, आप दो चीजें एक्सप्लेन करें। एक तो ये एक्सप्लेन करें कि बेस रेट क्या होता है, बिकॉज तरीन साहब ने कहा कि मैं बेस रेट नहीं बढ़ाऊंगा, उससे क्या इम्प्लीकेशंस हो रही हैं। और दूसरी बात आप हमें बताएं कि ये जो सेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ सेट होता है, वो किस तरह होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला इन अ वे। बेस रेट जो होता है वो तो ये है कि आपने जो है वो पूरी सारी कंपनीज का एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कंपनीज का जो टैरिफ आपने बनाना है, तो उसका जो टैक्सेस के अलावा या सरचार्जेस के अलावा या उसके क्वार्टरली एडजस्टमेंट के अलावा या फ्यूल एडजस्टमेंट जो मंथली होती है उसके अलावा जो एक ओवरऑल टैरिफ होता है जो सब पे एप्लीकेबल होता है पूरी मुल्क में, के इलेक्ट्रिक के अलावा उनका थोड़ा डिफरेंट जी। और उसके अलावा जो सेटिंग है उसमें तो जो टैरिफ होता है वो तो जो उसकी बरियात ये होती है कि जो एक वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसका जो लॉसेज हैं वो सबसे कम है, उसकी रिकवरी भी बेहतर है, तो उसको बुनियाद बना के जो उसका टैरिफ होता है उसको ही पूरे मुल्क के लिए फिर रखा जाता है, क्योंकि जो एक जो इसको यूनिफॉर्म टैरिफ हम कहते हैं। और बेसिकली तो जो नेप्रा है वो तो डिटरमिन करता है सारी कंपनीज का अलग अलग डिफरेंशियल टैरिफ, हर कंपनी का अलग, जिसने जिसके लॉसेज हैं, जिस जितना उसका रेवेन्यू आता है, जिसकी किसको मतलब वो जो है कोयटा का सबसे बहुत हाई है जी, सखर का बहुत हाई है जी जी, तो वो उनका रेट वही पे करेंगे जो हम आईएस को इस्लामाबाद जी, तो ऐसे ही मतलब वो फिर सबका जो टैरिफ तो जब डिटरमिन करता है नेप्रा, उसके बाद फिर हुकूमत जो है वो एक सब्सिडी जो है वो उसके लिए देती है, उसको टीडीएस टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी का नाम दिया जाता है। सही, सही। तो वो जो है वो कंपनीज जो हैं वो अपने अपने जो उनके होते हैं अपना रिसीट्स वगैरह जो होती हैं वो फिर इनके पास क्लेम्स जमा कराते हैं कि हमने इतनी बिजली बेची है और इतनी कॉस्ट थी हमें ओवर एंड अबव द बेस रेट जी जी जी, तो उसको आप हमें दे दें। तो और उसमें मुझे याद है आपकी एक रिसेंट रिपोर्ट मतलब फॉर बिजनेस रिकॉर्डर की आपकी, जिसमें आपने कहा था कि इस साल जो अभी माली साल है उसमें उन्होंने 550 बिलियन मांगे हैं और गवर्नमेंट ने 330 बिलियन सिर्फ रखे हैं। तो ये खवातीन हज़रात, दिस गोज इनटू द सेक्युलर डेट, एम आई राइट? हुकूमत जो पावर डिवीजन है इन्होंने 501 करोड़ रुपया जो था ना 501 मांगे थे उनके के हमारी इतनी सब्सिडी बनती है, क्योंकि उसमें तो एग्रीकल्चर भी शामिल है, एजेके शामिल है, फिर बलूचिस्तान के ट्यूबवेल शामिल है, तो हुकूमत ने 330 बिलियन दी है, उसमें जो बकाया है वो 150 बिलियन के करीब या ज्यादा कर लें, तो वो अब जो जब नहीं देंगे तो सर्टेनली वो सर्कल डेट में जाएगा। और फिर ये वो भी जो सब्सिडी है वो भी एक जो है एक बुनियाद बना के जी हमारा जो रेवेन्यू जो है हम इतना जनरेट कर लेंगे, यानी हमारी रिकवरी इतनी होगी,
और रिकवरी जो है, जो मेरी इतलात है अभी उसको फर्म अप तो नहीं हो पाई, लेकिन रिकवरी भी जो है वो 2020-21 में 2019-20 से भी कम हुई है। तो इसका मतलब यह है कि वो पैसा भी मजीद जो है या इनको टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा या फिर वो भी सर्कल डेट में जाएगा, लेकिन अभी उसके फाइनल फिगर्स अभी आए नहीं है। I'll go to चीमा साहब, what is the solution? जो अभी गुमन साहब ने explain बड़ी अच्छी तरह की है, what is the solution? जी मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूँ। जी जो स्ट्रक्चर है ना जी इसका पूरे पावर सेक्टर का और जिस पे मबनी हमारी बिलिंग है, यानी कि टैरिफ और सबसिक्वेंट बिलिंग जो है, मैं अर्ज करता हूँ। हमारी पोजीशन ये है कि पीपीआईबी ने अपना काम नहीं किया। पीपीआईबी जो है वो सही किस्म के इन्वेस्टर्स को इनवाइट ना कर सकी, ना ही अरेंज कर सकी कि वो जो है आए और वो आईपीपीज लगाएं। वी एंडेड अप विद रॉन्ग काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स भी वो आए कि जो विंडफॉल गेन चाहते थे, और उनकी तरफ से अर्ज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मिला। तो पहले तो ये प्रॉब्लम होगी। इसके बाद जरा जेन में रखिएगा कि यहाँ से कागजात चले गए नेपरा में। अब नेपरा में क्योंकि एक्सपर्टीज की कमी थी और जाहिर है पाकिस्तान का ही वो हिस्सा है, तो उन्होंने भी अंधाधुंध जो है उन कागजों को मान लिया। नतीजतन जितने आईपीपीज हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि जो इस बात पे पूरा ना उतरे। सब के सब जो हैं वो ओवर इन्वॉइस्ड कॉस्ट जो है उन पे उन्होंने टैरिफ लिए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जी मैं अर्ज करूँ कि हमारे यहाँ क्योंकि कॉस्ट प्लस फॉर्मूला है, तो जितना प्लांट की कॉस्ट ईपीसी कॉस्ट ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली उसे ज्यादा टैरिफ मिलेगा। ये भी हो गया। इसके बाद जो आईपीपीज ने कॉन्ट्रैक्ट किए लोन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों से लोकल इंटरनेशनल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो हैरान कन बात है कि वो मुल्क का जिसे कहते हैं रिस्क, कंट्री रिस्क ज्यादा शो करके अगर कहीं आधा परसेंट है तो पता हमारे ये लगा कि 12.5% हमसे लिया गया, तो वो भी ब्लोटेड था। इसके बाद हम आ जाते हैं जी इनकी आईपीपीज की इनवॉइसिंग की। तो वो पहले WPPO होता था वापडा का, वापडा पावर प्राइवेटाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, आजकल CPPAG है, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी गारंटी लिमिटेड, उनके पास आ गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त मंथली जो इनवॉइसिंग है आईपीपीज की वो 120 अरब की है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि साल का कितना बना। ठीक है जी? जी अच्छा, अब उसमें मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट को अगर सामने रखा जाए, मैं अपना कोई ख्याल जो है वो पेश नहीं करता, तो उसने अपनी रिपोर्ट के 3 हिस्से बनाए मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट ने। जी। पहली 1/3 हिस्सा था जो रॉन्गफुल और इनकरेक्ट इनवॉइसिंग थी, कि यानी कि आप इमेजिन करें कि पिछले 20 साल से इनकरेक्ट और रॉन्गफुल इनवॉइसिंग एक्सेप्ट की जा रही है। सही। दूसरी उसने ये बात की कि उन्होंने ये कहा कि रॉन्गफुल कसूर किसका होगा जी, दिस इज नेप्रा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि रॉन्गफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ पीपीएस पावर परचेज एग्रीमेंट है, और तीसरा जो है आउटराइट फ्रॉड है जिसमें ओवर इनवॉइसिंग है। ये उन्होंने जिक्र किया। अब ये किसने चेक करना था, इन सब ने चेक करना था। इसके बाद यहाँ बात नहीं खत्म होती। इसके बाद हमने जो जितने जेनकोज हैं पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप में प्लांट्स हैं, उनके लिए एक होल्डिंग कंपनी बना दी। होल्डिंग कंपनी जो है वो पता नहीं कहाँ से ऑपरेट होती है, कहाँ ऑपरेट होती है, कौन उसको देखता है, क्या करता है। इस वक्त पोजीशन ये है जी कि वो टोटल जिसे कहते हैं ना जी कि वो बंद हो चुकी हैं जेनकोज, खत्म हो गए हैं, बजाय इसके कि उसका बहुत कुछ किया जाए। तो मकसद मेरा क्या हुआ कि इसका टोटल स्ट्रक्चर जिसे वो कहते हैं कि तेरी कौन सी कल सीधी, कोई भी कल सीधी नहीं है। तो जब तक सबको आप दुरुस्त नहीं करते या इवन कील पे नहीं लेके आते, चीजें दुरुस्त नहीं हो सकती। तो इसलिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की, IMF के साथ जो हमने बात की हुई है वो तो फिर एक ही चीज है कि अगर नुकसान और कोई पूरा नहीं करता तो टैरिफ बढ़ा दे। या जस्ट पास इट ऑन टू द पुअर अनसस्पेक्टिंग कस्टमर। तो वो उसकी भी एक हद है ना जी, उससे आगे जा नहीं सकते।
इसलिए अब हम आ गए हैं डेड एंड में, टैरिफ मजीद बढ़ नहीं सकते। अगर बढ़ेंगे टू द डेट्रीमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, डेट्रीमेंट टू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, और इसको दुरुस्त करने की सलाहियत इसलिए नहीं है कि इसकी मैनेजरशिप जो है, इसकी गवर्नेंस जो है वो नॉन प्रोफेशनल के हाथ में है, वो जर्नलिस्ट के हाथ में अभी तक कंटिन्यूड अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूड अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तरफ से जो मजे कर रहे हैं हमारे यहाँ तो उल्टा पड़ता है ना, और सार्कैज़म थोड़ी सी तो इजाजत दीजिए ना। अब ये हालत है तो इसमें खुद बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी मिन जुमला मिल के हमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, और अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और बहरहाल तौफीक दे कि हम किसी भी वक्त दुरुस्त हो जाएं और आगे चलें। लेकिन आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर जी, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, वी विल बी राइट बैक एंड आई विल कम बैक टू यू बिफोर वी गो टू बैरिस्टर असगर खान साहब। प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी जी मां साहब, आपने बहुत एक डायर फोरकास्ट नहीं, एग्जिस्टिंग स्टेटस को बताया है, तो क्या आप इफ यू वुड फिनिश योर थॉट देन वी गो टू आवर बैरिस्टर्स। मैं अर्ज करता हूँ जी जी कि हर चीज दुरुस्त हो सकती है, इतनी भी बुरी हालत नहीं है, लेकिन यह है कि सबसे पहले जो इसकी गवर्नेंस है, मैनेजमेंट को बेहतर करना होगा और प्रोफेशनल्स के हाथ में देना होगा। इस सिलसिले में थोड़ा सा आपको अर्ज कर दूं कि जो मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट है, दैट इज अ ग्रेट बिल्डिंग ब्लॉक जिसपे बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है, एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा गवर्नमेंट को कि उसने ये सोचा कि इस पे एक कमीशन बिठाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए। बदकिस्मती से उस रिपोर्ट पे आगे जो जेन में तो ये था कि फोरेंसिक ऑडिट होगी, इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो ना हो सका, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हुआ। तो मकसद ये है कि जिस तरह आईपीपीज के मसले जो है उजागर किए गए, और इसके बाद कुछ ना कुछ उसमें अकोमोडेशन या जिसे कह लें आप नेगोशिएशंस हुई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बना, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसी तरह बाकी चीजों पे भी ये दुरुस्तगी हो सकती है। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो बार बार हम पिछले 5 साल से ये कह रहे हैं कि फिर ये एडिफिस खड़ा नहीं हो सकता, ये गिर जाएगा। जी ओके जी बैरिस्टर साहब, योर कमेंट्स। ताहिर साहब ने बड़ा एक एलैबोरेट दिया, लेकिन थिंग्स आर नॉट सो ब्लीक। हमारे में एक मसला ये जरूर है कि वी आर मिसिंग आउट द पॉइंट कि ये जो इन्वेस्टमेंट आई है ना जी, जो अभी हम कह रहे हैं कि इट्स नॉट राइट एंड देयर इज अ कैपेसिटी ट्रैप, दिस वाज इन अ बैक ड्रॉप व्हेन वी वर फेसिंग 16 टू 18 आवर्स ऑफ लोड शेडिंग। So no investment was coming in the economy. At that time, we had assistance from our neighbor, and they had done a great job. They brought in a $45 billion investment. ठीक है जी, तो उस वक्त आपकी reference China की तरफ है। I'm referring to CPEC. तो China Pakistan Economic Corridor, okay? Exactly. And that was not only in generation, it was also in transmission. Abhi HVDC line इन्होंने commission की है. NTDC had no expertise in the high voltage direct current transmission lines. एक कासा की है जिसको मैंने negotiate किया, and second was this HVDC, और उससे आपकी grid system stability में बहुत इजाफा हुआ है। Now everybody is holier than the priest, और हर एक कह रहे हैं कि जी take or pay गलत हुआ, ये गलत हुआ। मोहम्मद अली कमीशन वॉज आई थिंक नॉट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इट्स अ थियोरेटिकल रिपोर्ट, इट डजंट अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटीज। द ग्राउंड रियलिटी एट दैट टाइम, वी शुड लुक फ्रॉम द लेंस ऑफ दैट टाइम एंड दैट पर्सपेक्टिव। शॉर्टफॉल ऑफ 10,000 to 12,000 मेगावाट। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ कि एकदम कंट्रेक्शन आ गई, द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू कोविड, ड्यू टू द चेंज इन द गवर्नमेंट, ड्यू टू द गोइंग टू द IMF प्रोग्राम। IMF प्रोग्राम में जब भी आप जाएंगे, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको पता है देर जो है। नहीं सर, IMF प्रोग्राम वही करता है जो आप एग्री करेंगे। इवेंचुअली हफीज शेख और रजा बाकर हैड टू एग्री विद दोस कंडीशंस, एंड दोस कंडीशंस मेरे लिहाज से शुड नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड, नाइदर द मॉनेटरी पॉलिसी नॉर द फिस्कल पॉलिसी। It should have been phased out over the duration of the program. So I don't agree with you there. Let me bring in Mushtaq Ghumman Saab. Ghumman Saab, आपने दो opposing views देखे. One praising the Mahmood जो report, a commission report है. The other one saying it's not really all that relevant. Your views. मेरे ख्याल में दोनों ठीक हैं.
जी जी मजाक भी ठीक है। डिप्लोमेटिक देखे इश्यूज तो बहरहाल एफिशिएंसीज के मसाइल जो है वो मतलब है। मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो जो भी हम जो भी परसेप्शन है लोगों का कि यू नो इसके प्रोग्राम्स ठीक नहीं होते, दे आर आउट टू गेट अस, बट आई हैव वर्कड इन वन ऑफ दीज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है लोन देना होता है, बट दे डोंट गिव यू अ लोन अनलेस दे फील स्ट्रांगली अबाउट अ पर्टिकुलर कंडीशन एंड दे हैव कंसिस्टेंटली, मतलब है कि ये तो हम 23 प्रोग्राम में IMF के प्रोग्राम में और उन सब में तकरीबन यही हुआ है कि आपने पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स करने हैं जो कि चीमा साहब कह रहे थे जी। तो रिफॉर्म्स बिल्कुल मेरे ख्याल में स्टार्ट ही नहीं हो पाए अभी तक, और क्योंकि वो जो इनके पास कोई उस तरह की, जब कभी भी आते हैं कोई वर्ल्ड बैंक का जो है कंसल्टेंट आके बैठ जाता है, हमने देखे भी है, माजी में भी देखे हैं, बैठे होते हैं, तो वो जब आ जाते हैं तो एजेंडा तो लेके आ जाते हैं लेकिन वो बस फिर ऐसे ही चले जाते हैं, तो हुआ ऑन ग्राउंड तो कोई ऐसी कोई सब्सटेंशियल चीज नजर नहीं आती कि जो उसमें हुई हो पावर सेक्टर के अंदर बहुत। बट ये तो कहने की बात है ना कि जो खान साहब की गवर्नमेंट है उसने 2-3 स्टेप्स लिए हैं, एक तो स्टेप बताया भट साहब ने और मेंशन उन्होंने भी किया था चीमा साहब ने कि वो जो डील हुई है 2002 की पावर पॉलिसी में जो वो हुई हुई है यू नो विद जो कैपेसिटी चार्जेस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, दूसरी बात द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग के कैपेसिटी चार्जेस जो हैं उसको हम किस तरह मिनिमाइज करें ड्यूरिंग लीन कंजम्पशन मंथ्स, और उसमें फिर वो कह रहे हैं कि हम प्राइस को नीचे कर देंगे, सो दे आर, फिर वो जो होलसेल मार्केट का भी डिस्कशन हो रही है कि जी वो भी हम लाएंगे, सो देर आर सम थिंग्स दैट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग बट दे आर थिंकिंग टू लॉन्ग राइट। अब 3 साल हो गए हैं, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए ये तो चीजें जो है ना, ये जो होलसेल मार्केट जो बात है ये तो नून लीग के दौर से चली आ रही है, मुझे याद है ख्वाजा आसिफ भी बार बार कहते थे कि जिस तरह इंडिया में होलसेल मार्केट है हम भी उस तरह की बनाते हैं, उस वक्त से है लेकिन अभी तक बंद तो नहीं पाई ना, तो अभी लगे हुए हैं, अभी आती है मार्केट में चीजें आएंगी तो पता चलेगा फुल फ्लैश क्या कहते हैं, और बाकी जो है वो उसमें अभी ये बना रहे जो IG साहब जो है उसमें एनर्जी का जो एक्सपेंशन प्लान बना रहे हैं वो भी आना है, उसको उसमें देखते हैं, अभी उन्होंने अप्रूवल CCI से ली है और वो भी जो लीस्ट कास्ट जो प्रोजेक्ट्स है वही लिए जाएंगे, तो उसमें दैट इज द बेसिक प्रेमिस ऑफ गवर्नमेंट, यू टेक द लीस्ट कास्ट राइट जी, वो ऐसे ऐसे ही है लेकिन उनका मकसद जरूर ये है कि आप एक तो इम्पोर्टेड जो फ्यूल है उसको हम डिस्कर्ज करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे और उसमें हाइडल को भी रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल कराने की बातें होती रही हैं। अब मुझे अंदाजा नहीं है क्योंकि CCI में रिन्यूएबल है नहीं क्योंकि उसमें इम्प्लीकेशंस एनवायरमेंट की हैं, उसमें इम्प्लीकेशंस उसमें मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब काफी अपडेट है। ओके, वी टेक द शॉर्ट ब्रेक एंड देन वी कम बैक एंड वी आस्क हिम, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। बैरिस्टर साहब, अब आपसे यही हम सवाल पूछेंगे कि ये जो जो हाइडल को करना चाह रहे हैं रिन्यूएबल में डेफिनेशन, जो CCI में एग्रीमेंट नहीं हो रही है कि यू नो विच रिन्यूएबल टू गो फॉर, और फाइनली मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि बेसिक जो अजम्पशन है, अजम्पशन तो नहीं है एक्चुअली, व्हाट इज अ फैक्ट इज कि जनरेशन कैपेसिटी जो हमारी है इट्स अ लॉट मोर देन डिमांड, तो उस बेसिस पे ये चीजें करनी एट दिस स्टेज व्हेन वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन द सेक्टर, इज दिस द एप्रोप्रिएट टाइम? अच्छा जी, व्हाट वी हैव टू सी इन द बैकग्राउंड, ये एक नई पॉलिसी लाई है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021, उसकी जो बेसिक प्रेमिस है वो है लीस्ट कॉस्ट। सबसे बड़ा मसला है हाउ टू अराइव एट द लीस्ट कॉस्ट, ये समझते हैं कि कंपेटिटिव बिडिंग कर ले तो लीस्ट कॉस्ट होती है, वो नहीं है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये बड़े स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप इंडिया की मिसाल लें, उन्होंने कोई जो उनके डिस्प्यूटेड एरिया है जम्मू एंड कश्मीर जिसको हम नहीं मानते, उसमें उन्होंने मल्टीपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स किए, दे हैव गिवन एग्जेम्पशन
So the basic premise is hydropower cannot be compared with the renewables. If you add to the definition of the renewables, I think regulator has wrongly included hydropower as part of the renewables. आपकी hydropower जो होती है must run और वो base load को cater करती है. Renewables आपकी peaking और intermittent होती है. So everywhere there why is a would certain that be a difference? Why would that make a difference? I mean, I just want our viewers to know के hydel अगर वो renewable होती है या नहीं होती है, doesn't your strategy mean that you go in for generation capacity जो के overall will bring down the cost for the consumer? हाँ जी, यही inappropriate है जी. आपका जो एक डिमांड कर्व आता है ना, उसका एक बेस लोड होता है. बेस लोड मींस कि वो स्टैटिक रहता है थ्रू आउट द विंटर एंड द समर्स. उसको कैटर करने के लिए आपको हाइड्रो पावर वो आपकी फॉर्म करती है बेस लोड, जैसे तरबेला हो गया, मंगला हो गया और हाइड्रो पावर. जबकि सोलर और जो विंड होते हैं वो आपकी पीक डिमांड को, और जब सोलर इरेडिएशन अवेलेबल होगी, विंड अवेलेबल होगी, तो यू कैनॉट रिलाई ऑन देम. सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट कैटर फॉर योर base. Never be procured on the competitive basis together. सही. ये बात इनको समझना है. Secondly, what the flaw is in the IGCEP assumptions is कि ये कहते हैं कि जी transmission cost भी generation cost में डाल दें, और आप इनके capital cost भी जो hydro power की है वो भी competitive cost में डाल दें, तो hydro will be out of the window. क्योंकि जो hydro power की जो capital cost है जिसमें civil works है, तो वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो they cannot compete. अगर आप टिपिकली देखें 3 to 4 cents होता है सोलर एंड विंड, एंड दैट कैनॉट कम्पीट विद हाइड्रो पावर 7 to 9. सो वी हैव टू कैटर फॉर डिफरेंट ब्रैकेट्स. हाइड्रो पावर की आपस में सोलर और विंड की डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स फॉलोड अराउंड द वर्ल्ड. और थोड़ा मैं जरा स्टेप बैक करता हूँ. वो जो कैपेसिटी है ना जी, आई वॉज द फर्स्ट वन हु रिजाइन ऑन दैट प्रिंसिपल के वी आर गोइंग इन टू अ लॉन्ग टर्म. जैसे तायर साहब कह रहे हैं कि पीपीआईबी ने सही फैसले उस वक्त नहीं किए थे, आई वॉज द वन आई रिकॉर्डेड इन द रेजिग्नेशन के वी आर गोइंग इन टू द कैपेसिटी ट्रैप. उस वक्त हमने एक्शन नहीं लिया, अभी पोस्टमार्टम करके उसका कोई फायदा नहीं है. दैट्स व्हाई आई डू नॉट एग्री विद द मोहम्मद अली कमीशन. मैं उनके सामने भी गया था, उनको मैंने यही कहा था कि अगर अभी आप डिस्कस करते हैं, दे हैव द राइट टू गो इनटू द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. तो अभी तरीन साहब का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है कि टू गो फॉर अ रोबस्ट ग्रोथ. जब ग्रोथ ज्यादा होगी, आपकी इंडस्ट्री ज्यादा डिमांड करेगी और आपकी बिजली की खपत होगी और टैरिफ नीचे आएगा. दैट्स द ओनली वे आउट. ओके, एंड चीमा साहब योर रिस्पॉन्स. बैरिस्टर अजहर खान साहब के साथ इस बात पर मैं एग्री करता हूं कि जो हाइड्रो जनरेशन है, इसे आरी के अंदर अगर डालेंगे तो हाइड्रो जनरेशन को भी नुकसान होगा, और इसके बाद जो बाकी आरी है जिसे आप सोलर और विंड कहते हैं उसे भी नुकसान होगा. इसे अलहदा एक कंपार्टमेंट में रखना होगा और इसकी जरूरत के मुताबिक इसे चलाना होगा, नंबर एक. नंबर दो, मैं थोड़ा सा आपको अर्ज कर दूं कि कैपेसिटी ट्रैप जो है सो कॉल्ड, मैं इसके साथ अग्री नहीं करता. ये तो इसलिए हुआ है कि डाउनटर्न है, नंबर एक. और नंबर दो, जो चीज छुपी हुई है, मैं बार बार प्रोबेबली आई एम द ओनली वन हु टॉक्स अबाउट इट, वो ये है कि रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग हो रही है मुल्क में. 5000 मेगावाट जो है उसकी डिमांड काट दी जाती है. बलूचिस्तान में हालत यह है कि 4 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है. इसके बाद जो सेपको है सक्कर, यानी कि नॉर्दर्न सिंध जो है, उसमें 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है. हेस्को में भी लोड शेडिंग है, के इलेक्ट्रिक में भी लोड शेडिंग है. दरअसल आप अपनी डिमांड को तो मीट विद ही नहीं कर रहे. तो 5000 मेगावाट अगर आप बीच में डाल लें तो वो जो कैपेसिटी ट्रैप है इस वक्त वो खत्म हो जाता है. और अगर फर्ज कीजिए कि वाकई वो कैपेसिटी हमें ज्यादा देनी पड़ती है, तो आप अपनी कंजम्पशन बढ़ाएं. अभी बैरिस्टर अजहर खान साहब ने भी फाइनेंस मिनिस्टर की बात की कि अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ यूज हो जाएगा. लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि इस वक्त जो फाइनेंशियल्स है ना, वो मार रहे हैं पूरे सेक्टर के. इट इज टू एक्सपेंसिव. वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट अ वेरी हाई कॉस्ट, और उस हाई कॉस्ट में जो है रॉन्ग प्लानिंग भी होगी, इसके बाद रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फ्यूल्स भी होंगे, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी. बट फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना जी, वो ओवर इन्वॉइसिंग या फ्रॉडुलेंट जिसे कहते हैं टैरिफ एडिशंस हैं, उनको दुरुस्त करना पड़ेगा.
मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि जहां तो आपने पीपीएफ साइन करके और फिर उसे रिनेज करते हैं इंटरनेशनल, उसमें आर्बिट्रेशन ये वो सब कुछ होगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई फ्रॉडुलेंट है, फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, आराम से किया जाए, इंसानों की तरह किया जाए, उसे दुरुस्त किया जाए, तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। चलें आप ये नहीं कर सकते, तो जो 43,000 मेगावाट के नए जो जिनके एलओआई साइन हुए हैं, वो जो आपके इंटीग्रेटेड प्लान के अंदर भी शो हो रहे हैं, उनको ये भी रीनेगोशिएट कर लें, वहां तो कुछ नहीं दिया हुआ। अगर हम ये समझेंगे कि सब अच्छा है, बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो ये बात बनेगी नहीं। ये सारी बातें गवर्नेंस में आती हैं और गवर्नेंस बिलो पार है। अब आप अंदाजा लगाइए कि लेटली पेट्रोलियम डोमेन को देखते हुए अब पेप्को को खत्म करके इसके बाद आप डीजी पावर का कॉन्सेप्ट समझ लें, या पेप्को एक जो है जैली धारा, ये एक टेक्निकल आर्म बन जाएगी मिनिस्ट्री की और वो चलाएगा। अच्छा, जबकि डीजी गैस, डीजी पेट्रोलियम कामयाब नहीं हो रहे, और उस तरफ जो है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज बहुत हैं, इस तरफ तो मुसीबत ही सारी वो है। इश्यूज गवर्नेंस के हैं, गवर्नेंस के हैं, गवर्नेंस के हैं। जी आई थिंक आई कम टू गुमन साहब, आई थिंक यू एग्री विद दिस। आई मीन आई हैव बीन रीडिंग योर रिपोर्ट्स, इश्यू रिमेन्स ऑफ गवर्नेंस एंड हाउ वुड यू थिंक किस तरह रिजॉल्वेबल है भी कि नहीं, बिकॉज IMF तो सुना है कि दे आर स्टक ऑन यू हैव टू रेज द रेट्स, क्योंकि बेसिकली मे बी दे डोंट बिलीव अस एनी मोर कि हम गवर्नेंस को इम्प्रूव कर लेंगे, तो वो कह रहे हैं कि जी रेट्स बढ़ाओ। देखिए अभी तक तो ऐसी कोई चीज नजर तो कम से कम नहीं आती। बात यह कि अगर ये क्या गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट ये अभी तक जो पार सकते ये हमाद अजहर जो आए हैं इन्होंने कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, जीरो परफॉर्मेंस। बट ही इज नॉट रियली अ सेक्टर एक्सपर्ट आल्सो, नहीं, लेकिन फिर भी आ रहा है हुकूमत में तो 3 साल से है ना, बैठता है मीटिंग में, बैठता है, चीज का पता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि असद उमर भी जो है CCOE के वो हैं, जी जी वो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के चेयरमैन है उसके ना, जी। लेकिन मसला ये है कि ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं ऐसे। एक्चुअली ये चोरी को अगर खत्म कर लेना, चोरी मतलब तो वो तो कह रहे हैं रेवेन्यू बेस्ड जो है, विच इज नहीं रेवेन्यू, वो तो वही चल, अगर वो खत्म कर लेना तो फिर भी हमारे मसाइल बेशुमार हल हो सकते हैं। यानी पिछले दिनों एक कमेटी मीटिंग में ये हुआ कि कोई 14 लाख के करीब जो है, वो पता नहीं अब सही फिगर्स थे कि नहीं, वहां भी बताया था 14 लाख के करीब जो कुंडा से अब खुद अंदाजा लगा लो कि इंक्वायरी थी जी इस्लामाबाद की ज्यूरिस्डिक्शन जो है इसको, उसमें भी है तो पेस्को में है, कैस्को में है, सिंध के अंदर है, और वो कहते हैं पॉलिटिशियंस 50 AC लगाए हुए हैं, 6,000 रुपए लाता है। एनीवे आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। अज़गर बैरिस्टर साहब, आई विल आस्क यू इन हाफ अ मिनट इफ यू कैन गिव अस योर ओपिनियन ऑन व्हाट द वे फॉरवर्ड, एंड देन आई विल कम टू चीमा साहब। अच्छा जी, ये तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अलावा जी देर इज अ कंफ्यूजन एट द पॉलिसी लेवल। एक तरफ वो कह रहे हैं जी, आई हैव जस्ट गॉट हाफ अ मिनट सर, होलसेल के लिए करेंट, और दूसरी तरफ वो व्हीलिंग भी नहीं अलाउ करते, उसमें स्टे ऑर्डर भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ले रहे हैं, और प्रोविंसेस के जो ग्रिड कंपनीज है उनको भी ऑपरेट करने नहीं देते। तो देर इज अ होलसेल कंफ्यूजन एट द पॉलिसी लेवल विच नीड्स टू बी रिड्रेस्ड, और एट द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल उनकी थेफ्ट, उनकी टेक्निकल, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस को जब तक कंटेल नहीं करेंगे कंज्यूमर तब तक नहीं होगा। ठीक, चीमा साहब, आई विल लेट यू हैव द लास्ट वर्ड। जी जी, मैं जल्दी से आपको अर्ज कर दूं कि कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि कल आप ही के अखबार ने कहा कि 1100 मेगावाट अप कंट्री से के इलेक्ट्रिक को दिया जा रहा है, और साथ ही नीचे लिखा हुआ था कि आज तक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन नहीं हम करवा सके के इलेक्ट्रिक से। मजा आया ना जी। अच्छा, इसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि 1.68 ट्रिलियन जो हैं वो डिफॉल्टर्स हैं पावर सेक्टर के, तो वो हम 1% भी लेने के काबिल नहीं हैं, हम ले ही नहीं पा रहे लोगों से, और वो बढ़ता जा रहा है, एंड नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट, इसलिए कि हमारे पास एक नई मंत्रा आ गई है, वो ये है कि टैरिफ बढ़ा दें। इसके बाद आप हैरान होंगे कि बैरिस्टर असगर साहब ने भी बात की, मुश्ताक गुमन साहब ने भी बात की कि लॉसेज और एरियाज जिसे चोरी और इसके बाद जो रिकवरी करनी है उसे बेहतर कर लिया जाए। बेहतर कराने के लिए कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए कि हमें बेहतरीन चीज मिल गई है
के टैरिफ बढ़ा दें, तो इसलिए हमें वापस जाना पड़ेगा, गवर्नेंस को बेहतर करनी पड़ेगी, प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर लेके आनी पड़ेगी, और जो जनरलिस्ट हैं उन्हें उनका शुक्रिया अदा के घर घर भेजना होगा। शुक्रिया खवातीन हज़रात, आपने सुना, आई थिंक ऑल थ्री देवर सम माइनर मेजर डिसएग्रीमेंट्स ऑन द मोहम्मद अली रिपोर्ट, बट बेसिक जो सबका तीनों पैनलिस्ट का हमारा जो कंसेंसस था वो ये था कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत हद तक इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, जनरलिस्ट्स को खुदा हाफिज कहना चाहिए और बाकी जो हैं सेक्टर एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए। घुमन साहब ने यह भी कहा था कि वो जो कुंडा सिस्टम है उसको खत्म अगर कर सके उनको तो इट विल बिकम बेटर। अगेन चीमा साहब की बात बड़ी मुझे वो वैलिड लगी, उन्होंने ये भी कहा था कि ये अगर जो कुंडा सिस्टम है इट्स स्टिल टेकिंग इन सम काइंड ऑफ कैपेसिटी जो है वो पूरी यूज हो रही है, अगर आप उसको लोड शेडिंग पे डाल देंगे तो फिर अपने ही प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे। आई मीन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एज दे ऑल थ्री सेड गवर्नेंस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, और वो अभी तक उस पे हम आए नहीं हैं। शौकत तरीन साहब की विजन सही लगती है कि ग्रोथ करोगे तो ये सारी चीजें जो हैं ये कैपेसिटी जो है वो पूरी यूज हो जाएगी, एंड देन वी वुड नॉट नीड टू वी वोंट क्रिब अबाउट पेइंग द कैपेसिटी चार्जेस, बट हैविंग सेड दैट अभी तक इस पे काम नहीं हुआ। चौथा साल हो गया है इस गवर्नमेंट को और जो सर्कुलर डेट है विच इज अ मार्क ऑफ विच शोज गवर्नेंस इशूज एज वेल, वो 1.1 trillion से जब ये आए थे खान एडमिनिस्ट्रेशन, अब वो हो गया है 2.8 trillion हो गया जी, मोर देन 2.28 हो गया है, एंड दैट इज डबल इन थ्री इयर्स, दिस इज एक्चुअली अ हिस्टोरिकल हाई, समथिंग नीड्स टू बी डन अर्जेंटली एंड गवर्नेंस इज अ वे फॉरवर्ड। इजाजत दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज़।